मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन टू न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। अब संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड के जिस डॉन करीम लाला से इंदिरा गांधी के मेलजोल की बात की थी उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान, यह है करीम लाला का पूरा परिचय, हम आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं। अफगानिस्तान में जन्म हुआ था। करीम लाला से इंदिरा गांधी के मिलने की बात कह दी संजय राउत ने और उसके बाद यह पूरा विवाद सामने आया है। 1930 में करीम लाला मुंबई आया। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने। 1960 से 1980 के बीच मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन गया था। मुंबई में सोने चांदी और हथियारों की तस्करी करता था करीम लाला, कुख्यात बदमाश वहां का अंडरवर्ल्ड डॉन, सट्टेबाजी और ड्रग्स रैकेट में भी शामिल रहा। तो करीम लाला का यह परिचय आपके सामने है। 2002 में 90 साल की उम्र में मुंबई में मौत हुई। ऐसे में अब जिस तरीके से करीम लाला से मिलने जुलने की बात कह दी संजय राउत ने इंदिरा गांधी को लेकर, जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। और हाजी मस्तान के बारे में भी आपको बता दें, तमिलनाडु का मूलतः रहने वाला था डॉन हाजी मस्तान, 8 साल की उम्र में मुंबई आया। महज 8 साल की उम्र में मुंबई आ गया था और उसके बाद वहां पर अंडरवर्ल्ड की डॉन का दुनिया का बड़ा नाम बन गया। पहले उसने साइकिल की दुकान खोली थी और देखिए किस तरीके से गुनाह की दुनिया में उसका सफर शुरू हुआ। साइकिल की दुकान खोली उसने और उसके बाद धीरे धीरे जरायम की दुनिया में चला गया। 1944 में डॉक पर कूली बना। ये शुरुआती दिन जो उसके मुंबई में थे वो संघर्ष वाले थे, लेकिन उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में दस्तक देने का काम किया था। डॉक पर ही तस्करी का काम शुरू कर दिया था डॉन हाजी मस्तान ने। विदेशों से सोने के बिस्किट, ट्रांजिस्टर तस्करी करता था। जब उसने अपराध की दुनिया में शुरुआत की थी, अपनी दस्तक उसने जब दी थी उस दौरान की बात है। बाद में ब्रांडेड घड़ियों की भी तस्करी करने लगा हाजी मस्तान। 1974 में पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई थी और मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी उसका वो बड़ा नाम बन गया था। 1984 में दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी भी उसने बनाई। 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई। तो जिस तरीके के ये अपराधी थे, अंडरवर्ल्ड डॉन थे, अब जाहिर तौर पर यह कहा जाएगा कि आखिर इनसे क्यों उनका नाम जोड़ा गया इंदिरा गांधी का।